इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, 36 पुलिस के जवानों की प्री मैच्योर रिटायरमेंट का ऑर्डर सामने आया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो 36 पुलिस पर्सोनल है, इनकी इन्वॉल्वमेंट थी करप्शन में, अंडर परफॉर्मेंस में और एंटी सोशल एक्टिविटीज में, यानी कि अपनी ड्यूटी पे ये प्रेजेंट भी नहीं रहते थे, ठीक से उसे करते भी नहीं थे, और साथ ही करप्शन चार्जेस भी इन पे हैं, रिश्वतखोरी ये करते थे और साथ ही साथ एंटी सोशल एक्टिविटीज भी करते थे। आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, इसे और एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने आज प्री मैच्योरली रिटायर्ड किया है 36 पुलिस कर्मियों को, क्योंकि करप्शन में जिस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, और साथ ही बताया जा रहा है कि जो पुलिस कर्मी है अपनी ड्यूटीज उस तरह से नहीं करते थे कि पब्लिक को सर्व किया जाए, आवाम के काम आ सके, और वहीं पर जिस तरह से ये भी बताया गया है कि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो नॉन सेटिस्फैक्ट्री थी और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट थी, जिसके चलते सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया है और 36 पुलिस कर्मियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दी है। और वहीं पर जैसे कि पहले ही कहा गया था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी करप्शन के प्रति, और कई एम्प्लॉयज को उनके सर्विसेज से भी डिसमिस किया गया, हमने क्या देखा कि कई गवर्नमेंट टीचर्स को भी सस्पेंड किया गया था। और वहीं पर अगर बात करें, कोई ऑफिशियल मिसकंडक्ट करता है उनको भी जिस तरह से उनकी सर्विस से डिसमिस किया गया था, और साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए, जो कि अपनी अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाते हुए या अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए आवाम को मजबूर करते हैं और उनके साथ गलत करते हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से ना निभा के या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे मांग के उन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट देने का फैसला बहुत ही इसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और इसी के साथ कई गवर्नमेंट ने, मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था, गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किया गया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जितने भी जम्मू कश्मीर में है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि तमाम प्रेस्टिजियस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विस, ये तमाम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको यहां पर उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी फास्ट ट्रैकिंग, और साथ ही रिक्रूटिंग एजेंसीज के थ्रू जो फास्ट ट्रैकिंग होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, और वहीं पर बहुत ट्रांसपेरेंसी उस एप्लीकेशन के थ्रू भी होगी, क्योंकि सारी एम्प्लॉय की डिटेल्स उसमें होगी, प्रमोशन कब हुआ, ज्वाइनिंग कब हुई, ट्रांसफर कब हुई, और उससे रिलेटेड सैलरी के रिगार्डिंग, तो उसे भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कहा जाएगा, एक अहम कदम है जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। 17 तारीख को तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है रजिस्टर भी करना है, जो नहीं करेंगे उनको अक्टूबर की सैलरी भी नहीं दी जाएगी, तो एक अहम कदम सरकार का 36 पुलिस कर्मियों को प्री मैच्योर रिटायरमेंट देने का, जो आम की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उनसे पैसे एंटते थे, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते थे, और एंटी सोशल एक्टिविटीज और कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। देखते रहे जी की न्यूज़ पॉइंट।